हाय गाइस, वेलकम टू स्मार्ट मेडिको। तो हम लोग बी फॉर्म फोर्थ सेमेस्टर में फार्माकोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही डिटेल लेक्चर करेंगे जिसमें आपका सेमेस्टर एग्जाम और जीपैट एग्जाम दोनों बहुत ही इजीली क्लियर हो जाएंगे अगर आप ध्यान से सुनते हैं। तो अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम होता है कमेंट बॉक्स में करें, मैं उसे जल्द से जल्द उत्तर देने का कोशिश करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो पहले हम लोग जानते हैं फार्माकोलॉजी। बहुत ही बेसब्री से इस सब्जेक्ट का हम लोग का इंतजार था। फार्माकोलॉजी होता क्या? फार्माकोलॉजी जो है वो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। ग्रीक से मिली बहुत पहले जो प्रचलित हमारा ग्रीक वर्ड्स सब चीज़ जो है ग्रीक से ही डिराइव हुआ है, जिसका दो मीनिंग निकलता है, फार्माकोन और लोगोस। ठीक है, फार्माकोन और लोगोस इज इक्वल टू फार्माकोलॉजी। फार्माकोन क्या होता है? फार्माकोन मीन्स ड्रग और लोगोस मीन्स होता है स्टडी ऑफ। ठीक है, स्टडी ऑफ ड्रग। तो इसका मतलब हम लोग जनरली कह सकते हैं फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग्स। हम लोग फार्माकोलॉजी में क्या पढ़ेंगे? किसी भी ड्रग के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बेसिक जानकारी होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ड्रग एंड मेडिसिन। ड्रग और मेडिसिन में के बीच में क्या डिफरेंस है? आप जो खाते हो, ठीक है, आप जो खाते हो जनरली क्या होता है? एक मेडिसिन होता है, ड्रग नहीं होता है। मीन्स उसके अंदर मेडिसिन के अंदर ड्रग होता है। ड्रग एवरी मेडिसिन इज ड्रग, बट एवरी ड्रग इज़ नॉट मेडिसिन। ऐसा हम लोग कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जो आप मेडिसिन खा रहे हो, आप जो मेडिसिन ले रहे हो, उसके अंदर क्या है? मेडिसिन किसको कहेंगे? ये तो API होना चाहिए हमारा, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो कि थेरापेटिक इफेक्ट के लिए यूजफुल सबसे मेन मॉलिक्यूल सही है। फिर उसमें हम लोग एडिटिव्स यूज करते हैं। एडिटिव्स बोले तो स्वीटनिंग एजेंट, ठीक है, कलरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट यूज करते हैं। उसमें बहुत सारा कोसॉल्वेंट यूज करते हैं, बाइंडर्स यूज करते हैं, जो कि हमारे बॉडी में आसानी से चल जाओ, अपना थेरापेटिक इफेक्ट दे, तो उसको मेडिसिन कहेंगे। लेकिन वहीं पे अगर ड्रग की बात करें तो ड्रग एक सिंगल मॉलिक्यूल होता है, एक सिंगल एंटिटी जिसका यूज करते हैं, और यही एंटिटी जो है हमारे बॉडी के लिए थेरापेटिक इफेक्ट के लिए, फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो हमारा बीमारी को ठीक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये हमारा ड्रग है। तो ड्रग को हम लोग कभी कभी डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, इसीलिए उसको हम लोग मेडिसिन में कन्वर्ट करते हैं, ताकि आसानी से हमारा ड्रग एक्शन दे और फार्माकोलॉजिकल एक्शन ईजिली दे सके। तो फार्माकोलॉजी होता क्या? फार्माकोलॉजी हम लोग क्या है अभी बताएं, फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग। और इसके दूसरे वर्ड में बात करें तो फार्माकोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं कि ड्रग जो हम दे रहे हैं वो हमारे बॉडी के साथ कैसा इंटरेक्ट कर रहा है, हमारे ह्यूमन बॉडी के साथ उसका कैसा रिएक्शन है। ठीक है, कोई रिएक्ट तो नहीं कर रहा है, कोई टॉक्सिक इफेक्ट तो नहीं कर रहा है, इसके बारे में हम लोग कहीं पढ़ेंगे। ताकि क्यों पढ़ना ज़रूरी है? क्योंकि जो हमारा सेफ यूज हो सके किसी भी फार्माकोलॉजी का, या मीन्स जो ड्रग खा रहे हैं उसका सेफ यूज हो सके हमारे ह्यूमन बॉडी में, कोई टॉक्सिसिटी काउज ना करे, और हमारा जो रेसिपियंट है या जो पेशेंट है वो बहुत ही सेफ रहे और आसानी से ठीक हो जाए, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फार्माकोलॉजी का ओरिजिन कैसे हुआ? तो थाउजेंड ऑफ ईयर अगो, मीन्स ऐसा तो नहीं है कि फार्माकोलॉजी जल्द से ऊपर आसमान से टपक गया और हम लोग पढ़ने लगे। इसका जो स्टार्टिंग है और हज़ारों वर्षों पहले से चल रहा है। पहले के लोग क्या करते थे ना कि जनरली क्रूड नेचुरल प्रोडक्ट्स पर डिपेंड रहते थे। क्रूड नेचुरल प्रोडक्ट्स मतलब वैसा प्रोडक्ट जो कि एनिमल सोर्स से मिल रहा हो, प्लांट सोर्स से मिल रहा हो, उसको हम लोग नेचुरल प्रोडक्ट कहेंगे। जैसे मेनली तो पहले प्लांट ही होते थे, तो प्लांट्स पर लोग ज़्यादातर डिपेंड करते थे। क्योंकि जो देखिए कोई चीज़, जैसे किसी को बीमारी हुआ, हमारे गांव में भी अभी होता है कि बीमारी हुआ तो उस क्या करता है, किसी का कहते हैं ना कि पत्ता खा लिया तो मेरा बीमारी ठीक हो गया, तो उसने उसको बताया। तो ऐसे करके लोगों के बीच में बढ़ता गया कि हाँ, अगर ये बीमारी हो जा रहा है तो ये पत्ता खा लो, तुम ठीक हो जाओगे। तो ऐसे करके लोगों ने के बीच में इसके बारे में ड्रग का जो है वैल्यूएशन बढ़ता गया। फिर धीरे धीरे फार्माकोलॉजी और डेवलप किया, तो लोगों ने रूट से भी क्या किया, केमिकल क्वेश्चन को निकालना स्टार्ट किया, बार्क ऑफ ट्री से निकाला, फ्रूट से निकाला। ठीक है, कैसे निकाला? देखिए पहले के लोग करते थे कि शाम में रूट, अगर रूट ले लिया या बार्क ले लिए, रात में गर्म में पानी में उसको डालकर छोड़ दिए, और उस पानी का केमिकल कंस्टिट्यूएंट रात भर में बाहर आ जाएगा, पानी में निकल जाएगा जो रूट के अंदर जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट होगा, और सुबह उठ के लोग उसको पीते थे, जिससे उनका ठीक हो जाता था या और भी एंटीबॉडीज़ उनके अंदर बन जाता था। तो ये क्या किया ना, लोगों को भी बताने लगे इसके बारे में। लेकिन देखिए उनको बस पता था कि हाँ, ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन देता है, उनको ये नहीं पता था कि इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, कैसे काम करेगा, कहीं इसका कोई टॉक्सिसिटी तो नहीं हो गया ना, ऐसे भी काम करता है। मींस ऐसे लोगों के लिए इसके बारे में हम लोग फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। पहला जो जर्मन साइंटिस्ट आए हमारे, रुडोल्फ बसीएम, जो फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्माकोलॉजी कब फाउंड किए थे? 1847 में, आज़ादी के 100 साल पहले 1847 में क्या किया ना, उन्होंने फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्माकोलॉजी का फाउंड किया था। कब? जर्मनी में। बाद में 19 सेंचुरी में, ये बहुत अच्छा टर्म आता है, ओस्वाल्ड स्किम्बर्ग, 19 सेंचुरी में ओस्वाल्ड स्किम्बर्ग में फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कहा गया।
और भी उनके साथ जो लोग थे, लेकिन ओसवाल्ड स्टीनबर्ग को हम लोग फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने जो है ना बहुत फार्माकोलॉजी को एडवांस लेवल तक स्टडी किया और उन्होंने बहुत सारे ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को बताया। इतना सारा कंसेप्ट जो हम आज पढ़ रहे हैं उस ओसवाल्ड स्टीनबर्ग सर का उसमें बहुत ज़्यादा योगदान है। लेकिन अगर इंडियन फार्माकोलॉजी का फादर की बात करें तो आप ज़रूर से याद रखें आर एन चोपड़ा साहब हैं फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी। हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी? आर एन चोपड़ा। एंड हु इज़ द फादर ऑफ फार्माकोलॉजी? ओसवाल्ड स्टीनबर्ग। ठीक है जी। तो देखिए बाद में क्या हुआ, कंसेप्ट ऑफ फार्माकोलॉजी धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या किया लोगों के बीच में बढ़ता गया और फिर हम लोग ड्रग जो निकालें, हम लोग ड्रग निकालते गए प्लांट से, एनिमल से, बहुत सारे सोर्स से ड्रग निकाले, उनको क्या किया गया, प्यूरीफाई किया गया, उनका केमिकल कंस्टिट्यूएंट को निकाला और उस केमिकल कंस्टिट्यूएंट को हम लोग ड्रग बनाने में यूज किए, मीन्स उसको साथ साथ ड्रग में यूज किए, उसमें और भी एडिटिव्स डाले, जैसे स्वीटनिंग एजेंट हो गया, उसमें कलरिंग एजेंट हो गया, ठीक है, बाइंडर्स हो गए, ताकि हमारा बॉडी के अंदर जाए और फार्माकोलॉजिकल एक्शन एक अच्छे पैमाने पे दे सके, कोई साइड इफेक्ट ना हो। इसके बारे में हम उसका स्टडी करने लगे, क्लिनिकल ट्रायल्स होने लगे अब तो, ठीक है, बहुत सारा एनिमल्स पे अब खोज करने लगे। तो हम लोग जनरली इसके बारे में फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो एक लाइन में अगर बोले तो फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न्ड विद स्टडी ऑफ ड्रग एक्शन। नॉर्मली हो सकता है, बस इसका यही है। फिर इसके बाद इनका मेन टू डिवीज़न हुआ, कौन कौन सा टू डिवीज़न हुआ, पहला आता है हमारा फार्माकोडायनेमिक और दूसरा आता हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स। देखिए फार्माकोडायनेमिक्स में क्या होता है, फार्माको मीन्स ड्रग, फार्माकोन मीन्स ड्रग और डायनेमिक मीन्स पावर, मीन्स ड्रग का पावर, ड्रग का कितना पावर है, मीन्स पावर है बोले तो अगर ड्रग हमारे बॉडी पे कैसे एक्ट कर रहा है। फार्माकोडायनेमिक्स में क्या करते हैं, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, हमारा जो ड्रग दो हम दवा खाएं, जो हम पारासीटामोल खाएं हमारे बॉडी पे कैसे एक्ट कर रहा है, इसके बारे में फार्माकोडायनेमिक्स में कहेंगे, ठीक है। और फार्माकोकाइनेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, फार्माको मीन्स ड्रग, काइनेसिस मीन्स मूवमेंट, कि हमारा जो बॉडी है वो ड्रग के साथ क्या करता है। देखिए ध्यान से समझना इसको, फार्माकोडायनेमिक में क्या पढ़ेंगे हम लोग, कि हम जो पारासीटामोल खाएं हमारे बॉडी पे कैसे एक्ट किया, मीन्स हमारे बॉडी पे कैसा पावर दिखा रहा है, उसका फिजियोलॉजिकल बायोकेमिकल इफेक्ट क्या हो रहा है, इसके बारे में पढ़ेंगे, कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं कर रहा है, तो इसके बारे में हम लोग फार्माकोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या पढ़ते हैं, कि हम जो हमारा जो बॉडी है वो ड्रग के साथ कैसा कर रहा है, मीन्स बॉडी उसको कितना एब्जॉर्व किया, कितना डिस्ट्रीब्यूट किया, कितना मेटाबोलाइज किया और कितना एक्सक्रीट किया, इसके बारे में हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो देखिए फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स सब आपको क्लियर हो गया होगा, ये बहुत ही अलग चैप्टर है फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स घर बढ़ाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इसके अंदर में क्या करते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। ADME आप सभी जानते हो, ADME एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। कोई ड्रग लिए उसका कितना एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्ब हुआ तो क्या होगा, हमारा ब्लड में डिस्ट्रीब्यूट भी होगा और हमारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा तो हमारा लीवर तक भी जाएगा, लीवर तक जाएगा तो क्या होगा, मेटाबोलाइज भी होगा, मेटाबोलाइज हो गया, ठीक है, हमको सबसे मेटाबोलाइज होने के बाद एक्सक्रीट हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक बन जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे ध्यान से, और भी फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक के अलावा बहुत सारे और भी टर्म्स आते हैं जो ब्रांच है फार्माकोलॉजी का, जैसे कि फार्माकोथेरेप्यूटिक्स। फार्माकोथेरेप्यूटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ थेरोपेटिक यूजेज एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग, जो हम ड्रग हैं उसका थेरेप्यूटिक यूज़ क्या है और हमारे बॉडी पे कैसा इफेक्ट कर रहा है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो हम लोग फार्माकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, जो हमारा फार्माकोलॉजी का, जो ड्रग का जो भी इन्फॉर्मेशन हो वो हम लोग यूज कर लें। जैसे कि कोई ड्रग दिए आपको, एक ड्रग है उसका कितना डोज देना है, 200 mg देना है कि 500 mg देना है, कितना दिन के लिए, नहीं कहते हैं कि आपको सुबह शाम लेना है, सुबह एक गोली, शाम में एक टैबलेट आपको खाना है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे किसमें, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स में, कि कितना डोज होना चाहिए, ड्रग कौन सा होना चाहिए, फिर उसके साथ क्या क्या आपको और भी प्रिवेंटिव मेजर रखना है, जैसे कोई एलर्जी तो काउज नहीं कर रहा है, इसके लिए आपको ठंडा नहीं खाना है, आपको इसके साथ नमक नहीं खाना है, ठीक है, इसके साथ इसमें हम लोग कैसे पढ़ते हैं, फार्माकोथेरेप्यूटिक में पढ़ते हैं। फिर आता है अगला टर्म हम लोग क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी तो आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, साइंटिफिक स्टडी है, ओल्ड और न्यू दोनों ड्रग के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम लोग पढ़ते हैं ना कि जो हम ड्रग लिए हैं उसका फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टी और फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हेल्दी वॉलेंटियर्स पे। जहाँ भी क्लिनिकल फार्माकोलॉजी टर्म आ गया तो आपको समझना है कि क्लिनिकल टर्म आने का मतलब है कि हम ह्यूमन बींग्स पे उसका ट्रायल कर रहे हैं, उसका साइड इफेक्ट वगैरह देख रहे हैं। फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक इफेक्ट हम लोग किस पे देख रहे हैं, ह्यूमन बींग्स पे देख रहे हैं, हेल्दी वॉलेंटियर्स पे देख रहे हैं।
ठीक है। तो इसको क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, फार्माकोडायनामिक और फार्माकोकाइनेटिक इन्वेस्टिगेशन। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हम ड्रग दिए उसको, उसके बॉडी पे कैसा एक्ट कर रहा है, उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे कि उसको एडजॉर्प्शन कितने देर में हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है, वो मेटाबोलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक्सक्रीशन कितना दिए और कितना हो रहा है और नहीं हो रहा है तो कहाँ जा रहा है, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। तब जाके क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के बाद हम इसका बहुत ज़्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, मीन्स स्कोप इसका बहुत ज़्यादा है। ये जो है मेन टर्म है, इसी के बाद हमारा क्या आता है ना, ड्रग हमारा मार्केट में उतरता है। फिर आता है एक टर्म टॉक्सिकोलॉजी। देखिए कोलॉजी लॉजी जहाँ आ गया उसके हमारा मतलब स्टडी कर रहे हैं, यहाँ टॉक्सिक, टॉक्सिक मतलब टॉक्सिक हार्मफुल। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, किसी भी पॉइजनस इफेक्ट ड्रग का, कोई कोई ड्रग होता है ना जो पॉइजन के रूप, पॉइजन जैसा काम करने लगता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग किस में पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ पॉइजनस इफेक्ट ऑफ ड्रग को हम लोग टॉक्सिकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तो जनरली टॉक्सिकोलॉजी को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं, ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी विच विल एक्सप्लोर द पॉसिबल डोजेज ऑफ ड्रग विच कनेक्ट एस पॉइजन एंड गिव अस आइडिया अबाउट रिड्यूसिंग द टॉक्सिसिटी। आप सभी जानते हैं कि एवरी ड्रग इज अ टॉक्सिक, ठीक है, सारा ड्रग जो है जहर है। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि अगर उसको लिमिटेड डोज में नहीं दिया गया ना तो कैसा काम करेगा, जहर के रूप में काम करेगा, आपको टॉक्सिक इफेक्ट करेगा ही करेगा। इसीलिए उसका मिनिमल डोज रखा जाता है, उसका डोज डिसाइड किया जाता है। अब क्यों कहते हैं कि 200 mg खाएं, एक साथ दोनों टैबलेट नहीं लेना, ऐसा कहा जाता है ना, इसलिए ताकि आपका ज़्यादा कर दिया ना तो आपको बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट्स हो करेगा, आपको स्किन रैश होने लगेगा, साइड इफेक्ट होने लगेगा, आपको वोमिटिंग हो जाएगा, नौजिया होने लगेगा, ठीक है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है जितना डोज दिया जाए उतना ही आपको मेडिसिन खाना चाहिए। अब हम ड्रग के बारे में एक अलग से बात करें, ड्रग क्या है। ड्रग जो है हमारा फ्रेंच वर्ड से मिलके बना है, ड्रग। ड्रग मतलब कहते हैं ड्राई हर्ब, ये जो है ना फ्रेंच वर्ड, ये बहुत पहले आया था। ड्राई हर्ब मतलब इधर के हर्ब तो हम जान रहे हैं, हर्ब मतलब ड्राई, सूखा हर्ब के बारे में बात कर रहे हैं जो प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये जो है फ्रेंच वर्ड ड्रग से बना है, जिसका मतलब ड्राई हर्ब होता है। ये सिंगल एक्टिव केमिकल है, हमने आपको बताया था कि एक सिंगल केमिकल एंटिटी होता है जो कि मेडिसिन में प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, डायग्नोसिस प्रिवेंशन ट्रीटमेंट एंड क्योर ऑफ डिजीज, जो कि हमको किसी भी बीमारी को पता लगाने में यूज करता है, किसी भी बीमारी को ठीक करने में यूज करता है। किसी भी जैसे कैंसर हो गया तो एंटी कैंसर एजेंट हो गया तो उसके लिए हम ड्रग यूज करेंगे, ट्रीटमेंट पे उसका यूज हुआ कि नहीं। फिर किसी भी बीमारी हो गया, मेरा लॉन्ग टर्म बीमारी हो गया तो उसको क्योर, ठीक करने में, जो क्रोनिक एक्यूट डिजीज होता है उसको ठीक करने में यूज होता है। लेकिन ये आपको याद नहीं करना, आपको ये याद करना है, WHO ने 1966 में एक ड्रग का बहुत ही अच्छा डिफिनेशन दिया कि ड्रग इज़ एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट डैट इज़ यूज्ड और इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट फॉर द बेनिफिट ऑफ द रेसिपिएंट। देखिए ये जो हम टर्म देखें, ये जनरली किसके बेसिस पे था, ये पैथोलॉजिकल कंडीशन के बेस पे था। आप देख सकते हो इसमें बस हम डिजीज की बात कर रहे हैं, प्रेजेंटेड मेडिसिन डेट इज टू डायग्नोसिस, किसका डायग्नोस करेंगे, डिजीज़ का, प्रिवेंशन भी डिजीज का ही करेंगे, ट्रीटमेंट भी डिजीज़ का, ठीक है। लेकिन हम एक आपको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं, आप प्रेग्नेंट लेडी को हम लोग ड्रग देते हैं कि नहीं, तो क्या वो कोई डिजीज कंडीशन है, और डिजीज कंडीशन तो नहीं है, कोई किसी का टॉक्सिकोलॉजी हो गया, ठीक है, किसी को हम लोग किसी को वोमिटिंग करवाना है तो क्या वो टॉक्सिसिटी है, मीन्स क्या ये बीमारी है, वोमिटिंग करवाना है तो उसको कोई डिजीज़ तो है नहीं, तो फिर उसको हम लोग इमेटिक्स दे रहे हैं ना, उसको हम ड्रग तो दे रहे हैं कि तुम वोमिट कर दो। तो ये जो है पैथोलॉजिकल डिफिनेशन पूरी तरह से सही नहीं है, इसीलिए WHO ने एक अच्छा अपना क्या किया, ड्रग का डिफिनेशन दिया, जो कि है ड्रग वो ऐसा सब्सटेंस है या प्रोडक्ट है जो उसको हम लोग यूज करवाते हैं टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर, मतलब कि कोई भी ड्रग है, किसी भी फिजियोलॉजिकल सिस्टम, ड्रग को हम लोग क्या करेंगे, फिजियोलॉजिकल सिस्टम किसी का गड़बड़ा गया है, ठीक है। लेकिन जो हम आपको अभी बात किए हैं, जैसे कि किसी का कोई भी एक प्रेग्नेंट लेडी है या किसी को वोमिटिंग हो रहा है, तो क्या है, एक फिजियोलॉजी है, इसका कोई फिजियोलॉजिकल सिस्टम है जो कि चेंज हो गया है, किसी का फिजियोलॉजिकल सिस्टम जो कि चेंज हो गया, तो इसको हमको ठीक करने के लिए हम इस ड्रग का मॉडिफाई कर रहे हैं, उसको नया खोज रहे हैं, वैसा ड्रग खोज रहे हैं जो कि इसका इमेटिक वोमिटिंग करवा दे, किसी को प्रेग्नेंट लेडी है उसको दे रहे हैं कि आसानी से क्या हो, ऑक्सीटोसिन सीक्रेट हो और हमारा बच्चा की डिलीवरी इजिली हो जाए। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ड्रग का टर्म का यूज़ इस लोग ड्रग देते हैं। तो ये कैसा कंडीशन हो गया, फिजियोलॉजिकल सिस्टम, और यहाँ पर जो हम लोग पढ़े हैं ये कैसा सिस्टम है, पैथोलॉजिकल स्टेट। पैथोलॉजिकल मतलब डिजीज़ का डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन के लिए जो यूज हो,
वैसा ड्रग उसको हम लोग पैथोलॉजिकल स्टेट के लिए कहेंगे, फॉर द बेनिफिट ऑफ रेसिपिएंट। रेसिपिएंट मतलब हो गया कि रिसीवर, जो कि ड्रग को ले रहा है। रिसीवर को जरूरी नहीं हो कि डिजीज हो तभी, तो ड्रग का एक अच्छा डिफिनेशन निकल के आ रहा है कि एक ड्रग इज एनी सब्सटेंस, ठीक है, ड्रग इज एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट डेट इज़ यूज, जिसका हम लोग यूज करते हैं या यूज करवाते हैं, टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर, किसको, फिजियोलॉजिकल सिस्टम, किसी का गड़बड़ हो गया इसको मॉडिफाई करने के लिए या इसको सही करने के लिए आया, पैथोलॉजिकल सिस्टम को सही करने के लिए, किसके, रेसिपिएंट के बेनिफिट के लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ रेसिपिएंट, फॉर द बेनिफिट ऑफ रेसिपिएंट। तो मेरे साथ बोलिए, व्हाट इज़ ड्रग, ड्रग इज एनी सब्सटेंस, ठीक है, ड्रग इज एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट डैट इज़ यूज, जिसका यूज किए और इंटेंडेड टू बी यूज, जिसका लेना चाहें या दे रहे हैं किसी को या खुद खा रहे हैं, यूज और इंटेंडेड टू बी यूज, टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर, मतलब जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम उसका गड़बड़ हो गया है उसको मॉडिफाई करने के लिए, उसको सही करने के लिए, या पैथोलॉजिकल स्टेट्स को सही करने के लिए हम लोग मेडिसिन दे रहे हैं, फॉर द बेनिफिट ऑफ रेसिपिएंट, फॉर द बेनिफिट ऑफ रिसीवर, ठीक है। ये है हमारा ड्रग का प्रॉपर डिफिनेशन। अब देखिए, सोर्सेस ऑफ ड्रग, ये तो आप सभी जानते हैं कहाँ कहाँ से ड्रग मिलता है हमको। तो पहला देख लेते हैं हम लोग नेचुरल सोर्स जो है, पहला सारा सोर्स तो हमारा नेचुरल, ये बहुत ही ज़्यादा सोर्स जो हमारा नेचुरल सोर्स है, जो कि हमारा नेचुरल प्रोडक्ट से मिलकर बना है, जो कि कैटेगराइज किससे किया, जैसे मिनरल ड्रग की हम बात करें, मिनरल ड्रग जो है कहाँ से आता है, नाम सबको पता चल रहा है, मिनरल सोर्स, मिनरल है कहीं ना कहीं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से आएगा, विच आर मिनरल ओरिजिन का हो, मेटल्स नॉन मेटल्स से आए, अर्थ क्रस्ट से मिले, उसको मिनरल सोर्स कहेंगे, जैसे कॉलिन डायरिया में जिसका यूज़ करते हैं, कैलिन का, चारकोल हो गया, इट इज़ यूज्ड इन पॉइजनिंग, पॉइजनिंग में यूज करते हैं चारकोल, अगर पॉइजनिंग हो जाता है किसी को, फूड पॉइजनिंग या फिर साइनाइड पॉइजनिंग, चारकोल का उसमें यूज करते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट एंटासिड का काम करता है, सभी जानते हैं एसिडिटी हो जाता है तो एंटासिड इनो हो गया हमारा, उसमें यूज करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, ORS हो गया। तो ये मिनरल ड्रग है, जैसे आप मैग्नीशियम सल्फेट नाम से देखो रहे हो, मैग्नीशियम कहाँ से मिला होगा, अर्थ क्रस्ट से मिला होगा हमको, मिनरल सोर्स मेटल नॉन मेटल, इससे चारकोल, कोल से मिला होगा, कॉलिन, ठीक है। फिर आता है हमारा एनिमल ड्रग, एनिमल ड्रग जो ऐसा ड्रग जो हमको एनिमल से डेराइव हो, एनिमल्स ओरिजिन से मिले, जैसे इंसुलिन की अगर बात करें, तो इंसुलिन जो डायबिटीज़ में, जो डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन देते हैं, वो कहाँ से मिलता है हमको, पैनक्रियाज सेल से मिलता है, ठीक है। हेपेरिन जो एंटी कोगुलेंट का काम करता है, मीन्स जो कोगुलेंट बनता है, थक्का बन जाता है, उसको हटाने में मदद करता है, हेपेरिन एंटी कोगुलेंट का काम करता है, जो कि कहाँ से आता है, हमारे एनिमल सोर्स से आता है, जो कि पीग के जो है लंग सेल या लीवर सेल से निकलता है। एड्रिनलिन इमरजेंसी हार्मोन जो हार्ट एक्टिविटी को बढ़ा देता है, इमरजेंसी हार्मोन बोले तो फियर एंड फ्लाइट रिस्पांस देता है, आपने पढ़ा होगा, मीन्स एड्रिनलिन जो है इमरजेंसी के टाइम में, जैसे कि देखते हैं हम लोग कुछ सांप आ गया तो क्या करेंगे हम लोग, बहुत जोर से तेज़ी से भागने लगते हैं, तो वहाँ पे एड्रिनलिन सीक्रेट होने लगता है, बहुत इमरजेंसी में काम आता है, जो कि हार्ट रेट को बढ़ाने लगता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा, हार्ट रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, ब्लड का सप्लाई बढ़ेगा, जिसके कारण आपको मसल्स का और ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा, भागो 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 सांप काट देगा, भागो भागो, तो क्या करते हो आप लोग, भागने लगते हो वहाँ पे, तो वहाँ पे एड्रिनलिन क्या होता है, वहाँ पे एड्रिनलिन सीक्रेट होता है। फिर आता हमारा प्लांट ड्रग, वैसा ड्रग जो कि प्लांट से निकले, जिस ड्रग विच कम्स फ्रॉम प्लांट ओरिजिन, अब तो सभी जानते हो प्लांट, भाई कोरोना खत्म हुआ है अभी, सभी ने आपने पिया होगा काढ़ा, पिया होगा किसका काढ़ा, पिया होगा मुलेठी वगैरह का काढ़ा पिया होगा आपने, ठीक है। मॉर्फिन हो गया जो पेन किलर ड्रग में यूज करते हैं, डिजोक्सिन हो जाता है जो कि हार्ट अटैक में इसका यूज होता है, एंटी मलेरियल ड्रग, देखिए ये तो बहुत ज़्यादा यूज हुआ है हमारा कोविड टाइम में, क्विनिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो कि एंटी मलेरियल ड्रग भी था, ठीक है प्लांट। फिर आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्रग, वैसा ड्रग जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ओरिजिनेट हो, आइदर या तो पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेन करेगा या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकाल के बनता है, या तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, मार देते हैं, जैसे वैक्सीन वगैरह जो नहीं बनता है कि क्या करते हैं कि उसको डीएक्टिव कर देते हैं, तब देते हैं, मीन्स फोटो के रूप में काम करता है कि हाँ देखो उसको डीएक्टिव कर दिए, उसको मार दिए, फिर इंजेक्ट कर दिए हम अपने पेशेंट में, फिर ऐसा अगर उसको बाद में जो कि हमारा बॉडी क्या करेगा, उसके लिए एंटीबॉडीज़ बना लेता है, तो बाद में जैसे पोलियो वायरस हो गया, इसके लिए क्या करता है ना हमारा बॉडी, पोलियो वायरस आप सब 1, 2, 3 पोलियो फ्री हर जगह लिखा रहता है, तो क्या किया था, पोलियो दिया जाता है, पोलियो वायरस का इंजेक्शन मीन्स वैक्सीन दिया जाता है, जो कि उसका एंटीबॉडीज़ बना लेता है, जिसके कारण पोलियो का केस कम हो जाता है। फिर आता है हमारा सेमी सिंथेटिक ड्रग, सेमी सिंथेटिक ड्रग जो है नेचुरल ड्रग, कोई भी हमारा नेचुरल ड्रग है, नेचुरल सोर्स से कोई भी ड्रग लिए उसमें हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिए, ठीक है, उसको हम लोग सेमी सिंथेटिक कहेंगे,
क्योंकि यह मॉडिफिकेशन का जरूरत क्यों पड़ेगा। हो सकता है कि हमारा जो ड्रग था, जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो कुमेरिन एक एग्जांपल है, नेचुरल ड्रग जो कि बहुत सारा प्लांट से ऑप्टेन होता है। कोरिन को क्या किया ना कि हम लोग 7-hydroxy-4-methyl सेवन ग्रुप पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दिए और 4 पॉइंट पे क्या लगा दिए, मिथाइल ग्रुप लगा दिए। तो क्या हो गया ना, ये सेमी सिंथेटिक ड्रग तो बन गया, और ये सेमी सिंथेटिक ड्रग का बेटर बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है कोमरिन से। कोमरिन से अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का काम हमारा कर रहा है जो हम सिंथेसाइज किए, तो इसीलिए हम लोग सेमी सिंथेटिक ड्रग भी जनरली यूज करते हैं। जो हमारा पेरेंट ड्रग था, जो हमारा पहले ड्रग था, उसमें थोड़ा सा हम चेंज कर दिया ना, मॉडिफिकेशन चेंज कर दिए, तो ये और ज़्यादा पोटेंशियल हो गया इसके पास, और अच्छा से बीमारी को ठीक करेगा। तो ऐसा ड्रग का हम लोग यूज़ करते हैं सेमी सिंथेटिक है। फिर आता हमारा सिंथेटिक ड्रग। देखिए सिंथेटिक ड्रग नाम से क्लियर कर रहा है, जो ड्रग है जो सिंथेसाइज हो बहुत सारे केमिकल प्रोसेस से, जैसे कि पारासीटामोल हो गया, एंटीपायरेटिक ड्रग, सिट्रीजिन, एंटी एलर्जिक ड्रग, ये क्या होता है ना, सिंथेसाइज होता है बहुत सारे केमिकल को मिलाकर हम लोग पारासीटामोल को बनाते हैं। आप सब जानते हैं 6-amino फेन, ये सब जो है पारासीटामोल में 2-3 केमिकल को मिलाकर जो हम अगर ड्रग को तैयार करते हैं तो उसको सिंथेटिक कहते हैं। एक नेचुरल सोर्स होता है, एक सेमी सिंथेटिक, एक सिंथेटिक। नेचुरल सभी जानते हो, जो नेचुरली डायरेक्टली ऑप्टेंड हो, जैसे प्लांट से हमको कुछ पत्ते से मिल गया, ठीक है, उसको फिर सेमी सिंथेटिक बोले, तो जो नेचुरल सोर्स मिला उसमें हम थोड़ा सा बस मॉडिफिकेशन कर दिए, 1-2 ग्रुप को चेंज कर दिए तो ज़्यादा पोटेंट ड्रग मिल गया, तो उसको सेमी सिंथेटिक कहें। और सिंथेटिक मैंने कि ये पूरी तरह से हम क्या किए हैं, सिंथेसाइज किए हैं खुद से, अलग केमिकल 4-5 केमिकल को मिलाकर बनाए हैं, इसीलिए इसको हम लोग सिंथेटिक ड्रग के अंतर्गत लाएंगे। फिर आता हमारा इसेंशियल मेडिसिन। इसेंशियल मेडिसिन ये हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। होप्स आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का, जरूर से ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको नोट्स और जीपैड के बहुत सारे क्वेश्चन, अच्छे मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। थैंक यू सो मच।